नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। नौकुचिया ताल के लेक रिजॉर्ट में लेक साइड फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ फिल्म विशेषज्ञ नीलिमा माथुर ने किया। बीते 8 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का मकसद नए कलाकारों को एक मंच उपलब्ध कराना है। इस फेस्टिवल में विश्व की 14 शॉर्ट फिल्मों का चयन किया गया है। 4 दिन के फेस्टिवल में 14 फिल्में दिखाई जाएंगी। पहले दिन सिटीजन फ्लोर और ब्रदर्स फिल्म को दर्शाया गया। दूसरे दिन शनिवार को 5 शॉर्ट फिल्मों को दर्शाया गया, जिसमें इनलाइटेड सोल, द क्लीनर, द टेल ऑफ लव, माई सीक्रेट फॉरेस्ट और डोंट यू टू ड्राइव फिल्में शामिल रही। फिल्मों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शॉर्ट फिल्मों की बात करें तो ये बाकी फिल्मों से थोड़ी अलग होती है। ये फिल्में आपको रियलिटी दिखाती हैं। इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद ये भी है कि लोग फिल्में देखें और सीखें कि आखिर कैसे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। लोगों को चाहिए कि वो इस फेस्टिवल को अटेंड करें, इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी मौके पर हमारी टीम भी वहां पहुंची है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी हमीरा मलिक की रिपोर्ट। सर, जैसे कि आज यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो इसमें क्या कुछ देखने को मिला है? यहाँ 3 बेहतरीन यूरोपियन फेस्टिवल्स की सबसे नायाब फिल्मों का एक चयन हम लोग ने 3 के फेस्टिवल में हम देख चुके हैं अभी, और कल ये फेस्टिवल का समापन है। और अलावा इसके हिंदुस्तान से एक फिल्म तन्मय दास की और एक फिल्म हम लोग की, मेरी और कविता बहल की बनाई हुई, यहाँ आज सुबह दिखाई गई है। द फिल्म इज टाइटल्ड कृष्णाज वेटिंग रूम, और वृंदावन के जो 20,000 माँ लोग हैं, मैया लोग, जिनको विडोज बेसिकली, उनकी कहानी है। और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला है आपको, क्योंकि इससे इन्हें आगे भी प्लेटफॉर्म है? लोग तो कमाल के हैं। कोई बम्बई से चल के आ रहा है, कोई अल्मोड़े से चल के आ रहा है, कोई कलकत्ते से चल के एक मोहतरमा आई हैं, और मतलब कई लोग हैं जो दिल्ली से आए हैं। तो अल्मोड़ा से तो पूरा इस वक्त ग्रुप उठ के आया है। उनको मालूम चला इतना बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो बाकायदा 8-9 लोग उठ के वहाँ से अल्मोड़ा से आए हैं। अच्छा, सो अब लोकल पार्टिसिपेशन के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। नौकुचिया से या नैनीताल से या भीमताल से या आसपास से अगर और लोग कुछ आते तो उनका जो मज़ा आता, उनको जो आहा, क्योंकि ऐसी फिल्में उनको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेंगी, अमेजोन पे नहीं मिलेंगी, आप पैसा दीजिएगा तब भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ मिल गई तो मिल गई। और डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसा क्या चीज़ अलग होती है अकॉर्डिंग टू और सारी फिल्म्स? देखो, ऐसा है, कहानी तो कहानी है। आप उस कहानी को बेशक नाक ऐसे पकड़ोगे या नाक ऐसे करके पकड़ोगे, बात एक ही है। तो हम सीधी तरीके से नाक पकड़ने वाले लोग हैं, हमको कहते हैं डॉक्यूमेंटेरियन। और वो जो फिल्म फिक्शन में बनाते हैं, वो 200 लोगों का एक पूरा लवाजमा लेके जाते हैं फौज की तरह। पहले वो सब चीज़ बर्बाद कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि यार हम रियलिटी कैसे दिखाएं, बिल्कुल ऐसे लगे कि असली है, ताकि लोग इमर्स करें उसमें। और वो पहले शाहरुख खान को लेंगे, और उसके बाद सबसे बढ़िया बढ़िया लोगों को ढूंढेंगे और सब कुछ करेंगे। 200 लोगों की फौज लेके जाएंगे तो वहाँ असली तो कुछ बचा नहीं। हम जाते हैं एज अ 2 people, 3 people, 4 people क्रू जी। उसमें हम कैमरा भी कर रहे हैं, साउंड भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी है, सब कुछ है। और कोशिश ये होती है कि बिल्कुल छोटे फुटप्रिंट में, और जितना सफाई से आप उन लोगों की कहानी बयां करें। अगर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो फिल्में देखो, अगर लिखने में इंटरेस्ट है तो किताबें पढ़ो और लिखो, अगर इन दोनों के बाद आगे बढ़ना है तो उसके बाद ये फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म स्कूल्स, उसके बाद अपने कैमरे से लेके, बेशक आपका मोबाइल कैमरा हो, बेशक बड़ा कैमरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कहानी कहनी है। आप कहानी कहना सीख गए, रोशनी के कतरों को अगर समेटना सीख गए, आपको मालूम है कि जब धूप होती है तो ये हम चुपके से काला चश्मा लगा लेते हैं ना, वैसे ही कैमरे के लेंस पे कब हम फिल्टर लगा लेंगे। अब वो सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर है या वो ND फिल्टर है, ND8 है कि ND4 है, ये धीरे धीरे सीख जाओगे। आप सिर्फ ये समझो कि जब रोशनी ज़्यादा है तो आप गॉगल्स अपना लगा लो। मैम, जैसा कि यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो ये और फिल्म फेस्टिवल से इसमें क्या चीज़ अलग है? बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारे शहरों में। ये फेस्टिवल जो है, एक तो शहर में नहीं है, एक इतनी अच्छी प्यारी सी जगह है, खूबसूरत जगह है, ये नौकुचिया ताल बिल्कुल लेक के साइड में है। अन्य फिल्म फेस्टिवल्स में यूजली होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और आप एक फिल्म देखने यहाँ भाग रहे हैं, दूसरी फिल्म देखने वहाँ भाग रहे हैं, बीच में आपको लोगों से मिलना है, बहुत नेटवर्किंग करना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, ये एक शांत फिल्म फेस्टिवल है।
वैसे ही लेक के किनारे शांत हो जाते हैं आप इतनी अच्छी जगह में रह के, लेकिन यहाँ कम लोग आते हैं, शांति से आते हैं, किसी को यहाँ नहीं भागने की ज़रूरत, वहाँ नहीं भागने की ज़रूरत है, और एक ही जगह आपकी फिल्म स्क्रीन हो रही है ताकि आपका सारा फोकस जो है वो फिल्म पे रहे, और इतने अच्छे अच्छे फिल्म दिखाए जा रहे हैं तो उससे देख के सीखने को बहुत मिलता है। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें जिन्हें इसमें इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग वगैरह में, उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगी? ज़रूर, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ज़रूर उनको फिल्में देखनी चाहिए, जिसको भी फिल्म में रुचि है, जो फिल्म बनाने चाहते हैं। आजकल क्या है कि सभी फिल्म मेकर हैं, आप भी फिल्म मेकर हैं, बट हमने मोबाइल पकड़ लिया, हमने कैमरा ऑन कर दिया और हम अपने आप को फिल्म मेकर समझते हैं, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन फिल्म मेकिंग की का एक ग्रामर होता है। जैसे आप सेंटेंस में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ब कहाँ आएगा, एडवर्ब कहाँ आएगा, या मुझे अगर अपनी बात रखनी है तो किस प्रकार से उसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उसी प्रकार से फिल्म मेकिंग एक विजुअल ग्रामर है। अगर मेरा ये शॉट है और मुझे अगला शॉट लगाना है तो मैं कहाँ काटूँ और मैं क्यों काटूँ जहाँ मैं काट रहा हूँ, एक। दूसरा, अगर मेरे पास मुझे पूरी सीक्वेंस बनानी है और मेरे पास 50 शॉट हैं तो मैं कौन से शॉट को पहले, पीछे, आगे, नीचे, ऊपर करूँ, वो एक पूरा एक ग्रामर है, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर को इंग्रॉस करके रखना है और मुझे उनको मैसेज देना है जो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाने चाह रही हूँ। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखिए, शॉर्ट फिल्म्स देखिए। सेमिया मैम, कितने सालों से आप ये फिल्म फेस्टिवल करा रही हैं? ये हमारा 8वां एडिशन है, लेकिन 2 साल कोविड की वजह से ब्रेक हुआ था, तो ये एडिशन वो स्टॉल्ड एडिशन है जिसको हमने रिवाइव किया है। और क्या मकसद है आपका ये फिल्म फेस्टिवल कराने का? मकसद तो बहुत बड़ा बड़ा और लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षिप्त रूप से तो यही बोल सकती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री एज एन आर्ट फॉर्म, इसकी जानकारी पूरे देश में बहुत कम है और ये सिर्फ फिल्म मेकर्स तक सीमित नहीं है, जनरल ऑडियंस में तो ना के बराबर इसकी समझ है। तो हम चाहते हैं कि जनरल ऑडियंसेस में डॉक्यूमेंट्री आर्ट फॉर्म के बारे में अवेयरनेस बढ़े और उनको ऐसी फिल्में देखने का शौक होने लगे और देखने लगे, क्योंकि अब तो मुझे लगता है OTT प्लेटफॉर्म्स में इतनी स्ट्रीमिंग होती है डॉक्यूमेंट्रीज की कि अगर आपको एक्सपोजर हो जाए तो शायद आप उस तरह के यथार्थ की तरफ ज़्यादा झुकेंगे, बजाय कि आप हॉलीवुड की पाश्चात्य यथार्थ या बॉलीवुड की यथार्थ की तरफ। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि उत्तराखंड में अभी काफ़ी 5-6 सालों से ज़्यादा बॉलीवुड का इंगेजमेंट यहाँ पे हुआ है, कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है वो, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे और ज़्यादा मूवीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है उत्तराखंड, अलग अलग जगहें कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत भारी सवाल पूछ लिया है तुमने मेरे से, क्योंकि एक तरफ तो हाँ मैं चाहूँगी कि प्रदेश की उन्नति होनी चाहिए और इस तरह का प्रमोशन भी होना चाहिए कि यहाँ के लोकेशंस को हाईलाइट किया जाए, लेकिन बॉलीवुड जैसा है अगर हम उसको ही प्रमोट करते रहेंगे तो मैं तो अपने चारों तरफ, मुझे तो अब 12 साल हो गए यहाँ पे, 12 मासी रहती हूँ, समुदाय में काम भी करती हूँ, 7 साल से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है मेरा यहाँ पे, और बॉलीवुड का जो असर है वो भयंकर, खतरनाक, डरावना है। तो उस तरह की फिल्मों का प्रमोशन में हम साथ देंगे तो मेरे ख्याल में एक तरीके का पापी होगा, अल्टरनेटिव सिनेमा को करें तो दूसरी बात है। जी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN News।